मंदिर है बीड बबरान गांव में, जो कि श्याम जी का मंदिर है। तो आप ये पहुंच गए हम मंदिर में, और आप मंदिर के अंदर भी जाए हो, और आपने दिखाया है कि जो यो बड़ा पेड़ था यो आंधी तूफान में पड़ लिया। करते हैं मंदिर की रास्ते की शुरुआत। ये भाई बाईपास से नीचे आने के बाद मंदिर तक जाने में 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, वो आप वीडियो में पूरा देख सकते हो। आप एक चाल पड़े हाँ मंदिर खतर, खेता का बीच में तो रास्ता है। यो मंदिर का बोर्ड लग रहा, ये जाओगे आप मंदिर में, चारों तरफ खेते खेत है मंदिर के। इब जाके अपना मंदिर दिखावांगे, मंदिर की जो सच्चाई है वो अपना दिखावांगे। चारों तरफ आप खेत देख सको हो, तो ये मंदिर रह गया थोड़ा सा। मंदिर में पहुंच के बस पहुंचे गए हाँ मंदिर में, वो शामी गेट दिखा उड़ा था, मंदिर की एंट्री होगी। हम पहुंच गए, ये विजय और भी आ गए हैं। ले भाई आज का व्लॉग है, आए हाँ बीड बबरान मंदिर में, जिसकी लंबी एक कहानी है। तो ये पहले मंदिर में पहुंचा फिर अपना कहानी बताएंगे। बाइक पूरा खड़ी कर दी है, गेट का लॉक था, तो इजा वहाँ विजय और भी गिल। राम राम सारिया ने, और जय श्री श्याम। आज आप आए हाँ हरियाणा का एक मंदिर है बीड बबरान गांव में, जो कि श्याम जी का मंदिर है, जो बरबरीक थे, जिसका मंदिर खाटू श्याम में भी है, जिसकी खाटू श्याम बाबा बुलाया करा पे, उसे का बरबरीक जी का मंदिर उरा है, वो मंदिर है अपना पीछे वीडियो में देख सको हो आप। यो मंदिर है, इसकी कहानी है कि भाई जब श्री कृष्ण ने परीक्षा ली थी बरबरी की, एक बाण तय सारे पत्ते छेदन की बात हुई थी, तो बरबरीक ने एक बाण में सारे पत्ते छेद दिए थे। वो जो पेड़ है वो उरे है पीपल का पेड़, तो आप आज उसने देखना आए हाँ कि वो पेड़ कैसा है, और उसके पत्ते आदि भी छिद रहे हैं या कितना पुराना पेड़ है, तो आप ये मंदिर ना देखेंगे। आप भी पूरी वीडियो पर बने रहियो, सब्सक्राइब जरूर करियो। और इस मंदिर के चारों तरफ के पूरे नज़ारे हैं, खेतों का व्यू है। भाई विजय चुगरदा दिखा दे, सैर तो लगभग 15 किलोमीटर पर मंदिर पड़ा है, 10 किलोमीटर पर तलवंडी, 3-4 किलोमीटर अंदर आना पड़ा है, तो ये मंदिर लगभग 10 मीटर है ही सारते हैं। और उसके बाद आप मंदिर के दर्शन करना, इसको हरियाणा में कितने भी रहो तो आप मंदिर ना देखने जरूर आइयो। भाई उस रास्ते तक नहीं आए, इस रास्ते तक आए हाँ, दोनों साइड पानी की डिग्गी बनाए रखी है, और मंदिर आ गया है योरिया मंदिर। यो आ गया भाई मंदिर, बाइक खड़ी करके आए, उसके 200 मीटर पर मंदिर है। यो है भाई बीड बबरान का मंदिर, और इसमें बतावे हैं कि भाई महाभारत का टाइम पर जो पीपल था, जो श्री कृष्ण ने परीक्षा ली थी बरबरीक की, तो वो पीपल आज भी उरे है, और उसके पत्ते आज भी छेद हुए हैं। तो आप आए हाँ उरे देखेंगे भाई वो पीपल है या छेद हुआ है, या वैसे लोगों ने बता रखा कि हाँ मंदिर बनाया बता दिया, तो आज पूरी जानकारी आपने इस वीडियो में दे देंगे। उरे भाई छोटी प्रसाद की दुकान लगा रखी मंदिर का बाहर, दो छोटी सी है, और यो मंदिर खेता में है, दूर दूर तक और कोई शहर मतलब 5-10 किलोमीटर दूर मेन बाईपास है, उस तक सीधा खेता के रास्ते जाना पड़ा है। अरे पूछांगे भाई कौन सा वो पेड़ा है। मंदिर में कोई भीड़ भड़ाका को नहीं भाई, गर्मी है, कोई एक दो बंदे आ रहे हैं, बाइक और गाड़ी खड़ी है। ये वापे भी अंदर जावांगे, पहले हाथ धो लिया, प्रसाद ले लिया था, ये बात धो के मंदिर के अंदर जावांगे, दिखावांगे, शांत माहौल है, कोई भीड़ भड़ाका को नहीं।
भाई जय श्री श्याम, कृपया बेल्ट और जुराब मंदिर से बाहर उतारे। तो हमने जुराबे और बेल्ट हमने उतार दिया, लोगेज की रहती है भाई, लोगेज अब उतारेगा। मंदिर के अंदर एंट्री कर दी भाई, ये मंदिर का देखेंगे। ये यहाँ पे मंदिर की मूर्ति है, ये मंदिर के अंदर जो मूर्तियां लगा रखी है। एक मिनट लगी मंदिर को, जाते ही कोई भी नहीं था। ये मंदिर से भाई एक मिनट में बाहर आ गए। अब अपना वो पेड़ दिखावांगे जिसने बताया कर कि भाई बरबरीक ने अपना एक धनुष ते अपने एक बाण ते, ये है वो पेड़। और इसके अंदर आज भी बताऊंगी हर पत्ता में छेद मिला है, तो आप देख सको हो। तो आप ये आए थे मंदिर में, और यो है वो पेड़ जो मेरे पीछे देख सको हो, जिसमें बरबरीक ने मतलब श्याम जी ने अपना बाण चलाया था और उसका हर पत्ता थी छेद कर दिया था हर पत्ते में। लेकिन यो पेड़ बहुत पुराना है और पढ़ लिया इब इब, इसका तो आप कुछ कह नहीं सकते भाई पहले छेद थे या ना थे। लेकिन इब जो नया पीपल का पेड़ जमया है इसके बराबर में, लेकिन इसमें फिलहाल कुछ पत्तिया में छेद है, लेकिन हर पत्ते में छेद कोनी। तो इब यो उसे पेड़ तय जमया है या अलग है, तो आप देख सको यो पीछे रहा पेड़ इसका सारा अलग है। और जो यो बड़ा पेड़ था यो आंधी तूफान में पड़ लिया, जो हजारों साल पुराना था, उसके साइड में एक और पीपल का पेड़ जमया है, लेकिन उसके कुछ एक पत्तिया में छेद है और पत्तिया में छेद है को नहीं। तो यह कितनी सच्चाई है, तो या तो आप अपने दर्शक कमेंट करके बता सके हैं, या फिर भगवान बता सके भाई कितनी सच्चाई है, या यो इसी जगह पर पेड़ है या कोई वो दूसरी जगह पर पेड़ था या वाई या जगह है पक्का कन्फर्म। तो इसका आप कुछ नहीं कह सकते। यो भाई बाहर मंदिर के लाइन लगा करा मेले के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा करा उड़े, लेकिन ये कोई खास भीड़ नहीं थी। 5 मिनट में हमारा नंबर आ गया, 5 मिनट के सीधा खाली हमे थे, कोई मंदिर कौन था, इक्का दुग्गा भगतान लग रहे हैं। आप ही दर्शन करके आ गए हाँ बाहर। और यो पीछे मंदिर और वो पेड़, तो आपने किसा लग गया मंदिर देख के घर बैठ के ना सारी जानकारी मिल गई है। तो वीडियो थी लाइक करने का और चैनल थी सब्सक्राइब करने का आपकी हक बना है। अरे भाई और कोई जगह देखनी हो तो भाई बता दियो, किसी जगह की घनी जानकारी लेनी हो तो भैया खातर रोड भी जावांगे। हाँ अगर किसी भी भाई ने किसी भी जगह की जानकारी चाहिए हो, किसी मंदिर की या किते भी, तो कमेंट में जरूर बतावे, व्लॉग जरूर बनावांगे उस जगह का। और बहुत से लोगों की मंदिर तय बहुत आस्था जुड़ रही है, और बाबा श्याम सबकी मनोकामना पूरी करें। और मंदिर किसा लग गया, दजा फिरान लग रही है बाबा की, चिड़िया भी देख सको हो मंदिर के उड़न लग रही है, और बहुत शांति माहौल में मंदिर है भाई, बिल्कुल शांति। लेकिन जो पेड़ बतावे हैं वो पढ़ लिया, लेकिन पक्का बतावे कि उसमें पहले हर पत्ते में छेद होया करदा, लेकिन ये दूसरा पेड़ जम रहा है उसके कुछ एक पत्तिया में छेद है, तो देख लिया। विजय और खाटू श्याम रिंगस थे पैदल जा रहे थे, इनके पैरा में छाले है आज भी, ये कल श्याम ना आए हैं, लेकिन आज फिर फोन कर दे विजय, बोले हाँ मैंने भी जाना है मंदिर में, तो फोन कर दे विजय भी आ गया था। तो सारा के बढ़िया दर्शन हो गए। जो भी मंदिर में जान का शौकीन होनी वो भाई जरूर है कि ना, मंदिर के चारों तरफ के बड़े नजारे हैं। और आगे उड़े बतावे हैं श्याम कुंड, उड़े भी जाए क्या मांगे आप। तो भाई गेट का मैं को बाहर जाना था, लेकिन लोकेश नुका झुकेंगे नहीं साला, नुका कांध का कूद के ना जाऊंगा मैं पुष्पा बनूंगा भाई, झुकू को नहीं ना भाई। आप तो इस गेट में गुलगड़ गए, लेकिन लोकेश जो क्या को नहीं है ना भाई। दो मोटरसाइकिल खड़े करके गए थे, एक स्कूटी लागे, बाबा श्याम ने उरे सुन ली,
खड़े पर दो के तीन कर दिए हैं भाई। बाइक लेके थोड़ा चल दे मंदिर तय 300-400 मीटर पर है श्याम कुंड। यो पूरा मंदिर और श्याम कुंड देख लो, खेता के बीच में है सारा। आप देख सको दूर दूर तक कुछ को नहीं, सिर्फ खेते खेत हैं, उनके बीच में यो मंदिर है। और विजय और आगे हैं, यो है श्याम कुंड और लोकेश इसका पूरा जायजा लेने लग रहा है। नुगा मैं पानी की बोतल भर के जांच करके लाऊंगा, यो नॉर्मल पानी है कि लोकेश सुन लिया भाई, नलका पर पानी पिए गणी है साल हो लिए है। लोकेश ने नलका दी गया बोला माज पी के जाऊंगा, ताजा पानी पिवांगे भाई, ताजा बोतल वाला नहीं पीले। आज नींद वाला बोला भाई नलका के लपेट के लेके जाऊंगा मेरा सुनी देव लड़ा यार, ठंडा काट दे ना ताता आ जमा। ये चुगरदा भाई इसका बैरिगेटिंग सी कर रखी है बांस के डंडिया के लाए, और बीच में है यो श्याम कुंड। ये भाई श्याम कुंड दो खाट और उरा छाया रवा चल रहा है, नींद आने का पूरा माहौल बन रहा है। रास्ते तो सारे जाया कर, रास्ते को जापन जाना है। देख लियो भाई दोनों तैयारी करने लायक मंदिर में जाए भाई, लेकिन पीपल के पत्तिया में छेद को नहीं पाए हमने, हम देखा ही साफ स्पष्ट कहना भाई। जो हाँ जो पहले पेड़ था उसमें होंगे या ना होंगे, वो पेड़ पड़ लिया था उसका अपना कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो उसका बराबर में छोटा पेड़ था उसमें कोई भी छेद को नहीं था, कोई का दुग्गा पत्ता में हो तो हो, वैसे कोई छेद को नहीं था। लेकिन हाँ चलो लोगों की आस्था जुड़ रही है सही है या उसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, जो अपने सामने सच्चाई आप सिर्फ वह दिखा सका अपने व्लॉग में। और किसी भी भाई ने किसी भी मंदिर में या किसी का व्लॉग देखना हो तो कमेंट जरूर करया करो भाई। तो आप मंदिर के दर्शन करे आए हैं, उल्टे उसे जगह पे आए कि हाँ मंदिर के दर्शन करके या जगह बताओ कि सरकारी है, दोनों साइड डिग्गी बन रखी है, मछली पालन है, यूनिवर्सिटी के अंदर तय रास्ता है सीधा, लेकिन आपन बेरा कौन था पे दूसरी साइड आए थे और बाइक घोड़ा खड़ी करके आ रहे थे। ये बाइक का दौरा जाओगे अपना, पूरी वीडियो किसी लगी चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइयो। जय श्री श्याम, बाय बाय। इब रास्ता में रुक गया भाई, रिफिवाए गंडा का जूस, पूरी गर्मी हो रही है, जमा दबाएगे और जूस पी गए फिर चलाएं घर।